मैं हुण और नहीं चल सकता। हुण तो असीं पिंड वाड़ आए हैं, ये त्रै चार घर छोड़ के अगली नुक्कर ते साडे चाचू दा घर है। हुण तो सफर ही मुक गया, बस थोड़ा जिहा होर सफर कर लै ते चलदे आ। चलो सही है। हाँ शाबाश, आ जा, हुण तो सफर मुक ही गया साडा। अम्मी तेरे नाल गाल करन तू मैं कोई नहीं झकदा, क्योंकि जेड़ी दुख सुख दी होंदी है ना मैं तेरे नाल करेना अब्बे नाल, भाई मेरा तो उंजी रूह ही नहीं करदा अब्बे नाल मैं काई गाल कर लवां। तैनूं पता ओ केड़ा डाडा है, पता ते हुण मेरी शादी कदों करूं मैं? ले तैनूं शादी नहीं पै गई जी मेरा पुत्र, तू कमला है सादा है, तेरे नाल कौन ब्याह करेगा हैं? अम्मी तू मैनूं इह दसो, हुण तां मैनूं बेली दोस्त वी ताने तुक्के मरेंदे ने, इहदू वेखे ना मेरी दाड़ी वी चिट्टी हो गई है, आ सिर च कलर लवैना, पता नहीं कदां तुसां मेरे बारे सोचना ना। ते एह गल मैं तैनूं शुरू तों कहणी आई सी आं, हैं? मैं तैनूं कहनी सी आं पढ़ लिख ते अच्छा इंसान बण, अच्छा आदमी बण, लेकिन मैं तैनूं प्यार नाल वी समझाया, मैं तैनूं मारिया वी है, लेकिन तू मेरी गल ही नहीं समझी है, हैं? हुण मैनूं इह दस, कोई अनपढ़ ते जाहिल की कोई अपनी धी देने तू तरिया? पर की होया अम्मी जे मैं नहीं पढ़िया ते अनपढ़ां नूं की रिश्ते ही नहीं ढींदे ते नहीं देने ना? अग्गे ने वक्तां ते हुण ने वक्तां बड़ा फर्क है, लोग तक सुन के तियां देने सुने ही ना। मैनूं इस गल दा नहीं पता, पर तू परेशान ना हो, मेरी एक पत्री है, मैं उस नाल गल चलानी आ तेरी। सच्ची? हाँ। अग्गे कोई नहीं चलाई? ओए तू मां की समझाना है? ते अम्मी हुण तेरे नाल नहीं मैं करनियां निक्कियां मोटियां, तो होर के दे नाल करा। चल चल ठीक है। चाची आ गई। अस्सलाम वालेकुम। मेरी थी। वालेकुम सलाम। बै बै अम्मी लाएंगे ना? हाँ चाची। आप तू निक्कियां नु ना आई दे लतांदी बैंदा है। तू सियाणा ना बन, तू जुल कम कर अपना, जा ਉਂਝ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈ ਅੰਮੀ। ਸੋਚ ਲੈ ਸਾ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਚਾਚੀ? ਠੀਕ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਘਰ ਬਾਰ ਖਰੀਏ ਤੇ ਨਾ? ਹਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਈ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਚਾਚੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, मैं क्या चाची घर के सारे काम खत्म करके मैं क्या पहले मैं अपनी सोनी चाची नु मिल के आनी हां। चंगा कीता ही मेरी थी, मैं तो बल्कि आप तेरे घर आना चाह रही सा। मेरे घर क्यों? खैर ते आवे ना? बिल्कुल खैर है, अपने पुत्र दा रिश्ता लेके मुबशर दा। किदे वास्ते? भाई अपनी थी वास्ते, और के दे वास्ते? चाची हां, ए तू की कह रही है? हां मेरी थी, वेख ना मुबशर मेरा पुत्र है ते तेरा भी कुछ लगता है, हैं? ते कदी तू इस घर च आ गई ना ते इस घर ते हर पासे चानन ही चानन हो जाएगा। चाची तेनू पता है ना पूरी बलादरी च ओनू कोई रिश्ता नहीं देंदा, ते ओ तेनू मेरा भी पता है, ते तू की सोच रही है? मेरी ती मैं ते तेरी राय लै रही सी हां, जे तू राजी होवे ते मैं अपने भरा कोल बकायदा रिश्ता लैके जावां। चाची मैं ना व्याह नहीं करना चाहती, ते ना ते वो कोई काम करता ते ना ही वो पढ़िया लिखिया, ओनू सही करदे करदे ते मैं आप पागल हो जाना है। देख मेरी गल सुन सोफिया, जिसले तू इस घर च आ जाएंगी ना, मेरी धी बहुत ही सियाणी है, मैनू इन्ना यकीन है कि मेरी धी मुबशर नू भी सियाणा कर देगी। नहीं चाची, मैं तेरे नाल बहुत प्यार करनी हाँ, तू तेनू अपनी माँ की जगह समझे, लेकिन ए गल मैं इन्ना ना कर, मैं तेरी गल कदी भी नहीं मोड़ सकती, लेकिन मैं शादी नहीं करनी चाहती है मुबशर ना, मैं कदी शादी नहीं करांगी। तेरा आखिरी फैसला है? हाँ मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है ठीक है, मैं यही सोच रही सी पहले मैं तेरी राय ले लवां फिर मैं अपने भरा दे कोल जावां। चल कोई गल नहीं, जिथे नसीब होया उहदा हो जाएगा ब्याह उहदा, मैनूं तेरे ते कोई गिला नहीं मेरी धी, अल्लाह तेरा नसीब चंगा करे जिथे भी जावें। अच्छा चाची मैं कार चलनी हाँ, तैनूं पता अबू
रोटी ना मिले तो फिर शोर कर दे। ठीक है मेरी थी, जा अपना ध्यान रखी। अच्छा चाची। किन्ना समझाती रही मुबशर ने, अज अगर चार जमातां पढ़िया होंदा तो मैनू हर बंदे दी गल्लां ना सुननियां पैंदियां। मेरी थी आई है, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। क्या हाल है पुत्र? ठीक। एक है कल्ले कल्ले आए हो? अबू किधर नहीं? की मतलब चाची, क्यों दी गल्ला कर रहे हो तुसी? तुहानू पता नहीं है की अबू तो फोत हो गए ने, 6 महीने गुजर गए, तुहानू इस गल तो कोई पता नहीं है? नहीं, असि तो तुहानू लभदे लभदे इत्थे आके पहुंचे हैं। नहीं मेरी ती, मैनू तो कोई नहीं पता, तेरे चाचे ने भी गल नहीं की थी। बह मेरी ती, बह जा, परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है ना? मैं तेरे नाल हां, पर तू सानू कोई सुनेहा ते गल देंदी ना? चाची मैं उस टाइम वक्त ही हो जी ऐसे मैं की कर दी, मैं मैनू समझ ही नहीं आया। अबू फोत हो गए ते मैनू ते लगया सारा कुछ खत्म हो गया। ठीक कह रही है पुत्र, प्यो जिहड़े होंदे ने ना सिर दा साया होंदे ने, पर तू परेशान ना हो, गिला ते मैनू तेरे चाचू ते वे कदी उसनू पता सी, वो चला गया कला कला ते सानू दसता, मैं भी जाके होके आंदी, अपने किस लिए होंदे ने? पर आ जावे ना मैं पूछ लवांगी उन्हें क्यों कीता इस तरह। चाची मैनू तो लगे कि तुहानू भी पता होना है। ना मेरी ती, जे मैनू पता होंदा ते मैं इत्थे बैठी होंदी। मेरी ती तू इस तरह कर ना, थकी हुई है, तू जा अंदर आराम कर, मैं तुसां दे खाने का बंदोबस्त करती हूँ, ठीक है ना? परेशान ना हो मेरी ती, जो आजा बिलाल। जा बिलाल पुत्र। आ चलिए। क्यों कीता है इस तरह, मैनू नहीं दसिया, ये कोई रिश्ता दूर तो थोड़ी सी। चलो आंदा है तो पूछ लेंगी मैं। अम्मी जी। मेरा पुत्र। मैं तेरे नाल एक गल करनी है। हाँ बोल, मैं सुननी पई हाँ। मैं आज चाची घर गई सी। हाँ चाची कहती है कि मैं तेरे घर रिश्ता लेके आवांगी, ओ मुबशर दा। दिमाग खराब हो गया इन्हों सारिया ना, इन्हों समझ नहीं आ रही। तो मेरी धी तू परेशान ना हो, तो मैं आपे देख लैनी हूँ सारा। अम्मी मेरी गाल सुन, चाची नू मैं मना कर रही हूँ कि मैं विआह नहीं करना मुबशर नाल, लेकिन मैं तुहानू एक गल दस दवा, ऐ ना हो कि कल नू तुसी भरा भरा या तुसी दोवें मिल के मेरा रिश्ता तय कर दो दे नाल, ते मैं उहदा विआह को नहीं करना, फिर ना कहना। ओ मैं हाँ जिंदा वा, तू परेशान ना हो, ठीक है? मैं आप देख ले साना सारिया नू। परेशान किस तरह ना होवा, तुहाडा की पता है, मैं भी तो तुहाडी धी हाँ ना, पर मैं तो लगता है कि अब्बा मान जाएगा। ओ मैं आप निबड़ लेवांगी इन्हां नू, समझ आई? तो तू परेशान ना हो, तू मेरा बच्चा आराम कर, ते मैं आप देख ले सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। ओ बैठे हो तीए मावा? जी जी आयो सी। ओ गल सुनो, तुम्हारे नाल एक बहुत जरूरी गल करनी है। जी बोलो। भरा है ना मेरा जबरू? जी जी। तलताफ भी हूँ, जबरू भी मंग रहे रिश्ता। असी यही दोवें बैठियां गल पियां करनियां सा, ये मैनू कहनी पे सी, ठीक है? ते इंज नहीं हो सकना। अच्छा माड़ी गल सुनो ना पहले, ठीक है ना? गल ये कि मेरे भ्रा ने अलताफ भी जोर लाना पाया, तो जबरू भी, तो मैं कोशिश कर रहा कि जबरू का बच्चा के ना मुबशर उस दिन इस तरह मैं रिश्ता तय कर लवा। ना ना ना, तुसा पता है मुबशर के करना है? चरस ओ पीना है, सिगरेट ओ पीना है, शराब ओ पीना है, तो मैं अपनी ती चा के उसा दे छोड़ा, ये किस तरह हो सकना है? तो गल तू मेरी कभी सुनी तो नहीं, लेकिन सुन ले, ये मैं करना है। जबरू दे पुत्र नू मैं अपनी धी दा रिश्ता देना है, ते इस वारी कोई बोलिया ना ते फिर मेरे तो बुरा कोई नहीं होना।
एक गल मेरे कान विच पा लो, समझ आई कि नहीं आई? वो मेरा भरा है तो मैं अपने रिश्तों नू नहीं तोड़ सकना, रिश्तों नू समझया करो। ते वो कोई काम भी तो करे ना, कोई काम करना ही नहीं तो मेरी धी उत्थे के करसी जाके? काम भी कर ले सी, शादी हो जाए तो वो काम भी कर ले सी, सारी उम्र इस तरह नहीं रहन लगा। इस वास्ते मेरी गल कान खोल के सुन लो, ये रिश्ता होना है ठीक है तो जरूर होना है। मैं तेरी कोई गल नहीं सुननी। मैं तेरी धी नहीं है, ए तुसी की फैसला कर दिता है? मैं जो भी फैसला किया पुत्र तेरी बेहतरी वास्ते किया है। कोई बेहतरी वास्ते नहीं किया, पूरी बरादरी चो कोई रिश्ता नहीं देता तो तुसी मैनू ओदे नाल मान रहे हो? अच्छा मैं गल करके जा रहा तो हूँ मैं कोई गल नहीं सुननी, तुहाडी मां तीआं नूं समझ ही नहीं आती। अम्मी वेख्या ना, मैं इसी वास्ते कह रही सी ना तानू। चल मेरी ती, मैं देखनी है कुछ करनी है ना। मैनू एक गल का जवाब दियो, तुसा दोवां भरावां दे विच इन्ना वड्डा केड़ा झगड़ा सी जिहड़ा वो बेचारा फोत होया उहनूं 6 महीने हो गए, ना तुसी आप गए जनाजे च ना मैनू दस्या, तुसा केड़ा इतना वड्डा झगड़ा सी? गल सुन मेरी, की जेड़ी कज्जी होई है ना उसनू कज्जियां ही रहण दे ना, ते तुसी खोल दियो ना, मैनू भी पता चले उस बेचारे दा कसूर केड़ा सी। कसूर केड़ा सी? हां जेड़ा तेरा पोतर नहीं ना पढ़िया, हां नलायक हो गया, दुर्किंदा वदा है, ये सारी तेरे उसे देर दी बदौलत है, उसे दिया मेहरबानियां ते उसे दिया नेकां। पता ही जिसले सानू डांग दी लभदी आ ते डांग दी ना लभदी, मैं इसनू निक्के जे मासूम नू नाल रला के ते उहदे बूहे ते लाए गयो बच, जिते तेरे अपने बाल पसंद ने साडे नू इत्थे पढ़ा छड़ा, कोई हालात तब्दील हो जा सन, कोई बेहतर हो जा सन ते मैं इहनू लै जा सन, कोई ये बंदे दा बच्चा बन पउसी ते उस उत्थू ला ए बाल। खैर इन्हां की पता, इन्हां दे सामने उस चिक्किया ये तो उसने निक्के निक्के आ आई समझो, उत्थू ला भी इज्जत करके चिक्किया आई ते अज तक मुड़ो बैंक खबर नहीं लई। बहरहाल ये तुसां दे भरा दा कसूर सी, ऐसे जना बच्चियां दा की कसूर है? इन्हां बच्चियां दे सामने इन्हां दे मुंह ते इन्हां नूं ताने दित्ती जा रहे हो, इस तरह नहीं करीदा। ठीक है बच्चियां दा कोई नहीं कसूर, ये आ गए जी बिस्मिल्ला, ठीक है ना, मैं ओदे तरह नहीं हां जिवें उस चेक छड्डे ने, मैं चकेंदा नहीं, लेकिन इतनी मेहरबानी कर भी ये रहन बहन इत्थे, लेकिन छोर वड्डा सारा आई समझ, ये अपना हुण ना कोई दिहाड़ी दप्पा करे या कमाए करे ते भैन दे बारे कोई सोचे करे। तुसी की जी गल्लां कीती जा रहे हो? मैं ठीक कीती जा रहा। ए जुल्म ना करो, ए साडे भी बच्चे ने, अगर अज इन्हां दे प्यो सिर तों प्यो दा साया चला गया ते साडा काम बणदा है इन्हां नूं सहारा देना। सहारा बस इतना ठीक है बेटा, एन बहन जितना तक इहदा काम नहीं लगदा जी बिस्मिल्ला खावण पीवण आई समझ, जितना तक मुकद्दर नसीब ही नहीं इत्थे रहण, लेकिन मेरी गल कान खोल के सुन, ये वड्डा सहारा है अपना काम काज करे कुछ, इन्हां नूं इत्थे बहा के ना ते सिर तेनूं बहाई रखना, इन्हां नूं कोई काम काज भी देवणे। हाँ ते एक गल होर भी सुन ला, ये अपना काम काज करे ते ए छुएर जवान जहान छुएर आई समझ, इस तरह इसे घर असीं नहीं इहनूं बहा सकदे नहीं रहा सकदे। पुछ किवें की मतलब तुहाडा? कल नूं कोई चबल मरे सी ते साडी बग्गी दाड़ी ते कलाफ लग सी, साडे उत्ते मुकालम सी, एक शरत ते रह सकदी है। ओ की मुबशर नाले दा करो निकाह आई समझ, मोड़ एक घर रवे ते छोर जेड़ा नाल है बिलाल ए करे अपनी दिहाड़ी दप्पा। अब कहंदे तो तुसी ठीक हो पर रमशा कोल भी तो पुछो ना, ओदी की मर्जी है? बस ए हुण तेरा जिम्मेदारी है, तोए पुछना है तो तोए करना, ओई मैं नहीं रख सकदा भाई जवान जहान है, बल्कि 100 वादा घाटा हो सकदा। छोरे तू भी गल मेरे कान खोल के सुन ला, मैं जेड़ा कीता ना फैसला इसे ते आमीन करना ही ते तां इत्थे तोए रहना, सुनदी पई है? मुबशर नाल शादी हो सी ते तू इत्थे रह सकनी है, ऐवें मैं सिर ते कोई नहीं चढ़ावना तुहानू ते ना मैं ही खवा सकना आई समझ, बिरा तेरा वड्डा सारा ये कमाई सी अपना धंधा करे सी ते तू मुबशर नाल शादी करके तां इत्थे रह सकनी है, जे तेनू नहीं फैसला कबूल आई समझ ते मुड़ तेरे दुए भी चाचे बैठन बेशक उदे रह जांदे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ ਨੇ।
वेख इन्हां दे प्यो च भी इहा कढ़ाई ते गोला दू वेख कोई गल दा वलदा दिता सी हैं मैं दा चाचा मूं वड्डा मूं पीवां दी था रामूस मेरी गल सुनी ते कन्ना तो टप गई तू वेख चुप हो जा मेरा बिरा ना रो मेरी बहन है केदे चाचे गवार चाचे को ले आई है और किते जांदे साडा और कोई सहारा है साडा पियो तो गया मार तन्नू नहीं पता इस माहौल दा इस माशरे दा जिदे घर धी बहन होवे ते उदे सिर ते कोई साया ना होवे ओ किवें जिल्लत दी जिंदगी गुजार दी है मैं ते एक उम्मीद लेके आई हां कि चाचे दा घर है इत्थे असीं बाइज्जत रहांगे लेकिन इत्थे ते अगे काम ही होर हो गया मैं तो सोचा भी ना कि चाचा यो जी गल्ला करेगा लेकिन तू रो ना तू परेशान ना हो मेरा बिरा मैं तेनू काम नहीं करन देवांगी मैं तेरे पीछे कुर्बानी दे देवांगी मैं उस मुबशर नाल शादी कर लवांगी लेकिन तेनू तेरी जिंदगी नहीं खराब होण देवांगी मैं भी तेरी जिंदगी नहीं खराब होण देवांगा उस मुबशर नाल तेरी शादी नहीं करावांगा देख बिलाल साडा कोई सहारा नहीं है होर कोई चारा भी नहीं है असीं होर कुछ भी नहीं कर सकते ना कि नहीं और जा सकते हैं लेकिन मैं तेरी शादी नहीं कराना उस जाहिल गवार नाल बिलाल तू समझण दी कोशिश कर और कोई चारा नहीं है अगर काम करना भी है तो असि किथे बाहर रह के नहीं काम कर सकते हैं उठ चलिए इथे जाहिल गवार लोगा कोलो बिलाल साडा कोई और ठिकाना नहीं है असि और किधे जाना है तू मेनू दस असि और किधे भी नहीं जा सकते ये चाचा है साडा कोई नहीं असि इथे गुजारा कर लवांगे ना हां ना तू परेशान ना हो वो गल सुनो धी ते मां दोए जिस तरह मैं फैसला कीता ना कि मैं तेरा रिश्ता करना है मुबशर नाल ठीक है वो मैं फैसला करी बैठा हूँ मैं जाना है उत्थे उन्हां नाल फाइनल गल करनी है समझो ना कोई भी तुसा हूँ मेरे अगे कोई बोलियो ना ते फिर मेरे तो बुरा कोई नहीं होने लगा कल समझे ते तुसी कर किनो अपनी मर्जी ते तुसा मैं समझ लग रहा सी ठीक है ना अपनी तीयां उधर फसान लगे हो ना ए ती है कि नहीं पहले मैंने ये दसो ओ अल्लाह दी बंदी मेरी धीए सी ऐसे मैं चंगा फैसला करने दा पिया ते हुन मुड़ कोई गल नहीं करनी मैं हुन वेंदा पिया फिरा दे घर लेकिन मेरी एक गल सुन किनो जो तुसी कर रहे हो ना इसना अंजाम बहुत गलत ने एक तुहाडी औरतां दी समझ इस गल कोई नहीं आंदी ए जेड़े ब्राह्मण दे रिश्ते इन्ना को खत्म ना करो मैं इन्ना को बनाउणा है समझ आंदी है तो आपको कि नहीं मैं हुण वेंदा पिया बिरा दे घर बिरा वत किदे काला काला ओ मैं जबरू दे घर वेंदा पिया तू खैर आई बैठ इंडे नाल गल करा यार ओ जबरू मुबशर वास्ते धी दा रिश्ता मांगदा पिया ई ते ऊ को मैं आखी मैं फैसला करके कोई दूर या बात है को दसा मैं हुण वेंदा पिया को दसदा पिया कि यार मैं को मंजूर है मैं हूँ रिश्ता करेंदा पे ते तू तैयारी कर मेरा बिरा तू तो कोई ना जा ठीक है ना साडा बिरा जड़ा मरण मर जावण वाला है ना ओ दे बालू दिया बैठे ना बिरा जबरू तेरे ओस अपने पुत्र मुंबई शहर ना दी शादी करेंदा पे मौलवी सदा के तो काल दी डेढ़ रखी बैठे तो तू रिश्ता उदू मंगण जाओ कोई लोड़ नहीं तू रिश्ता मंगण दी मतलब तेरा के रिमशा दा रिश्ता मुबशर ना करेंदा पे जी हाँ ना उनका दिमाग ठीक है इतने अरसे तो मैंने पीछे पिया मेरी धी का रिश्ता मंगता पे तो हूँ जो मैं हाँ करी बैठा तो वह आता पे मुबशर का रिश्ता धी दे नाल उन्दे अपने बिराह दी धी दे नाल करता पे ए तो उस बिराह नु सोचना चाहिए मेरे बिराह के मैं बिराह ना मेरे बिराह मेरे बूहे ते आया था उसनु मैं किवें अंजे उठावा चुप करके गल सुनना अज तो बाद अगर इवें करे बैठा ना अज तो बाद मेरी खुशी गमी सारी खत्म होने नाल जिमे मैं तेको आख्या ना आज तो बहुत कोई खुशी गमी नहीं होंदा अस्सलाम वालेकुम चाचा जी क्या हाल है वालेकुम ठीक हो तबीयत ऐसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ओ मैं इस वजह तू आया हूं भाई जबरू नहीं जी जी ओ शादी करदा पे पोतर दी ठीक है ते ओ तानू सद्दा है जी ते भाईजान तुसी भी बैठे आ चलो ताडे वाली जामणा है रब तू तुसी इत्थे बैठे आ ताडे वाली ओ निजाम आयो तानू नगाड़ दीती है ते तानू ही सद्दा हो गया ठीक है मेरा गल इस तरह है
ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਜਾ ਸਾਡੇ ਬਿਰਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸਾਂਗਾ ਹੀ ਬਾਗ ਛੋੜਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਆਵਣਾ ਵੀ ਛੱਕਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਣਾ ਸੱਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲੇ ਆਖ ਛੋੜਿਆ ਨਾ ਇਵੇਂ ਉਹ ਕੋ ਆਖ ਹੀ ਜਾਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਰਮਾ ਲੀਆ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇਰ ਮੈਂ ਗੱਲੀਏ ਗਾਡੋ ਸੱਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਗਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਏ ਉਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲੈਂਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰੁਵੀਓ ਮੈਥੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਸਮਝ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬਈ ਅੱਗੇ ਕਿਤਨਾ ਟੁਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਾਹ ਗੱਤਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਸੀਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮੋੜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਟੁਰਾ ਟੁਰਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਚ ਮੇਣੀ ਮੇਰੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਸੀਬ ਦੀ ਹੈ ਬਰਲ ਛੋਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਰਾਣਾ ਹੈ ਆਈ ਸਮਝ ਨਿਕਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸਨੇ ਆਈ ਸਮਝ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਵੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਏ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਉਹ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੇਵਣੀ ਕਾਮਸ ਕੁਮਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸੈਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਈ ਸਮਝ ਚੱਲ ਆਟਾ ਗੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਲਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇਈਂ ਉਹ ਠੰਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੋਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਓ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਬਿਲਾਲ ਘਰ ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਚਾਚੇ ਨਾ ਚਾਚੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘਰ ਚ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਨਸ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਸ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਘਰ ਚ ਸਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ ਕਿਹਦੇ ਅਕਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਨਾ ਪੇਟ ਇਸ ਦਰਦ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖਾਵਣ ਲਈ ਅੱਛਾ ਡੇਢ ਇੰਚ ਪੀੜ ਹੀ ਆ ਸੂ ਨਾ ਮੌਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਆਮਦੀ ਪਈ ਘਰ ਅਸਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਵਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਜਾਊ ਕੀ ਦਿਆ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਨੱਸ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣਾ ਆਈ ਮੱਲੇਦਾਰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਨਾ ਕੱਲ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣੇ ਨਿਕਾਹ ਸਾਡਾ ਉਸੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
चुप कर कोट किर लिया ऐदू मालूत पे लिया ना तो तू उस घर ना लिवी जावने खबरदार मेरे बिरा दे बारे कोई गल ना करी बस कर जेड़ी गल मैं कर छोड़ी है ना ए होनी ही होनी है मैं देख दिया तू किवें निकाह करदा है ते चलो मैं भी वेना भाई किवें मेरा निकाह नहीं होंदा ए की जबरदस्ती है ए जबरदस्ती समझ या जो कुछ मर्जी समझ तेरा मेरा निकाह तो लाजमी होना ते अजो सिंगिया तू कौन होना है मेरी पेड़ नाल बदतमीजी करने वाला अनपढ़ शराबिया गवार जाहिल इंसान अच्छा तेरी जबान ही बात गई है हैं तू उन महीनों दस ऐसे मैं कौन हूँ ना हाँ मुबशीर नू हाँ अच्छा हाँ मुबशीर छोड़ दे मुबशीर छोड़ दे आ गया पीछा मुबशीर छोड़ दे मैं कह रही हूँ चल मैं पे आना आ गया मुबशीर ना कर मेरे बिना ना ला कर मुबशीर छोड़ दे मैं नू मुबशीर छोड़ दे मैं कह रही हूँ मुबशीर मासूम बिरा ने की बिगाड़िया तेरा उन्हें जानू मार दिता तू बिलाल उठ मैं अक्खा खोल बिलाल तेरे बगैर मेरा कोई भी नहीं है साडा प्यो भी मर गया तो तू भी चढ़ के चला गया मैनू ओए कौन है इस दुनिया च मेरा बिलाल उठ मैं अक्खा तेरे चार कातिल जालिम मेरे बिलाल ने मार दिया बिलाल अक्खा खोल ना उठ मैं बिलाल तू बोलता क्यों नहीं है मैंने चढ़ के ना जाए जुलम ना कर मेरे से बिलाल क्यों है रिम्सा क्यों है हाँ बिलाल तूने नजर नहीं आ रहा क्यों है मेरा बिलाल मर गया किन्हें मारे अब तूने उस पागल पोतर मारे हैं मेरे मासूम बिलाल को मार दिया तू मशहूर है किधर और मार के नस गया ओ जालिम ओ कातिल हो तुसी कातिल हो मेरे बिराद है क्यों मेरे बिराद ही जान ले ली तुसी मैं राजी तो हो गई थी शादी वास्ते फिर क्यों मेरे मासूम बिराद है तुसी कत्ल कर दिता तुसी तुसी कत्ल कराना जान चाहिए थी ना दोनों तो मेरी जान ले लेते मेरे मासूम बिराद ने की बिगाड़िया तुम्हारा मेरा तो बगैर है कौन इस दुनिया एक किसारा हो ही तुझे ले लिया मेरे को लो बिलाल कातिल लोग हो तुझे वैसी हो दरिंदे हो बस पैर की ठंड तेरे सीने है मैंने एक गलत जवाब दे ऐसा नानू रख के की मिले तेनू आज तेरा पुत्र इतना दरिंदा और वैसी हो गया क्यों ने किसी मासूम दी जान ले आ लेंगे शुक्र कर के उन्हें ऐसी जान भी नहीं ले आ लेती और दो दो मासूमों का कातिल हो जाना कातिल हो जाना कातिल हो जाना अस्सलाम वालेकुम जी मैं और रिमशा हुसैन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे तो जी हमेशा की तरह आपके लिए हम लाते हैं एक अच्छी और एक यानी कि न्यू सबसे हटकर इस्लाही स्टोरी ताकि आप तक एक अच्छा मैसेज पहुंच सके तो आज भी इसी तरीके से हम एक इस्लाही स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं बहुत मज़ेदार और इमोशनल भी देखिए हमारा यानी कि मकसद क्या होता है आप तक एक स्टोरी लेकर आते हैं एक माशरे के मुताबिक जो माशरे में जो चीज़ें चल रही हैं घरेलू लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ भी यानी कि जो घर में यानी कि नाचाकी वगैरह आपस में हो जाती है तो इसी किस्म की हम आपको यानी कि स्टोरी देते हैं और हमारा सिर्फ समझाने का ही मकसद होता है। आज आपने हमारी स्टोरी में देखा दो चेहरे जो नए आए हैं माशाल्लाह से करीम सर ये हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह से बहुत पहले से यानी कि काम करे यानी कि इस फील्ड में हमसे भी पहले हैं तो हमें आज इनके साथ काम करने का मौका मिला माशाल्लाह से ये भी यानी कि बहुत अच्छे एक्टर हैं तो हमें इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर आपने आज हमें मौका दिया और दूसरा बिलाल
आपने देखा ये बच्चा कितना प्यारा है और उसने इतना ही प्यारा काम किया इस स्टोरी में। तो प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इस बच्चे का काम कैसा लगा, क्योंकि मेहनत हम लोगों ने बहुत ज़्यादा की इसमें। तो जी मैसेज की तरफ आ जाते हैं कि इसमें मैसेज क्या था। देखिए जो अपने रिश्ते हैं वो इस तरीके से, उन यानी कि खूनी रिश्ते जो होते हैं वो इतने पतले हो गए, इतने सफ़ेद हो गए हैं कि उन्हें यानी कि रिश्तों की पहचान ही नहीं रह गई। अब वो बेचारे हम लोग यानी कि हमारा यानी कि वालिद साहब फोत हो गए थे तो हमें यानी कि एक रिश्ता नज़र आया चाचू का। हम गैर के घर तो नहीं गए ना, हम आए तो अपने घर आए, अपने चाचू के घर आए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें ये मंजूर था कि भाई हम तो अनाथ हो गए थे, हमारे सर पे तो कोई था नहीं, तो उन्हें ये सही लगा कि भाई इसकी यानी कि अपने पागल बेटे के साथ शादी कर देते, दो वक्त की रोटी नहीं ऐसे खिला सकते। तो उन्होंने यानी कि हम पे जुल्म सितम की आखिर कर दी थी ना, यानी कि हमारी मर्जी थी ना कुछ। उन्होंने यानी कि हमारी यानी कि हमें वहाँ पे घर में ठहराने के लिए उन्होंने यानी कि मेरा जो निकाह था वो अपने पागल बेटे के साथ कर दिया। और उस पागल बेटे के काम देखे, वो इतना अंधा हो गया अपनी जिद के पीछे, अना के पीछे, किस तरीके से उन्होंने यानी कि मेरे मासूम भाई को कत्ल कर दिया। ये होते हैं यानी कि जाहिलियत ही है ये चीज़, ये तालीम की कमी ही है। ये जो चीज़ आप लोग देखते हैं लड़ाई झगड़े कत्ल ये सब कुछ क्यों होता है, ये सिर्फ शऊर की कमी की वजह से है। जब आप तालीम नहीं देंगे अपने बच्चों को, उनमें शऊर नहीं आएगा, तो वो यही गलती करेंगे, यही गुनाह करेंगे। तो कहने का मकसद यही होता है कि प्लीज़ आप लोग ये बुरे काम छोड़ दें, इन कामों से बाज आ जाए, जितना हो सके अपने बच्चों को तालीम दें, उनमें अक्ल आए, उनमें शऊर पैदा हो। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जितना हो सके हमारी स्टोरीज को लाइक किया करें, जितना हो सके शेयर किया करें। जाते जाते बारा टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।